चलिए देखिए देखिए कौन आया है बांग्लादेश की तरफ से, इट्स कबू की स्क्वाड 3 वेच प्लेयर के साथ, और सामने से नोटा प्लास और टगारू, और साथ ही साथ हमारे काफी तगड़े स्मूथ ट्रिपल फोर, सामने से साइक सायद, और साथ के साथ इट्स कबू। तो ये स्क्वाड आसान नहीं होने वाले मैच, यहाँ मुकाबला चलिए स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही बेहतरीन टीम, एक को बांग्लादेश की बेस्ट टीम का खिताब मिला हुआ है, एक को भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम माने जाने वाली एनजी स्पोर्ट्स को खिताब मिला हुआ। देखेंगे जब आमने सामने दोनों देशों की बेहतरीन टीम ने टकराएंगी, और देखते से एक बंदा पस्त हो चुका है साइथ फोर यहाँ पे, जी हाँ अपना पार्ट चुकी आईडी से स्मूथ खेल रहे हैं, आगे से ही यहाँ पे नॉक निकाल लिया है, और मुकाबला है 2v4 का, यहाँ पे इस कप को लगातार ब्लू बॉल का हमला कर रहे हैं, और बैक ब्लू बॉल टूट गई थी नहीं चल पाएगी, टगार उधर होने वाले कर देंगे साइड में, वन ऑन वन के टगार उधर ले पाएंगे जी नहीं, पहला राउंड इट्स कबू की स्क्वाड बड़े प्यार से छीनती हुई नजर आएगी। जी, दूसरे राउंड में वापसी करनी पड़ेगी इनके बीच, बेस्ट ऑफ 3 के मैच हुए थे गाइस, जिसमें पहला मैच आप सभी ने एनजी स्पोर्ट्स गेमिंग के चैनल पर देख लिया था, और यह बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा मैच जिसको मेरे ख्याल से लगातार क्लीन स्वाइप करती हुई नजर आएगी एनजी स्पोर्ट्स, और दोनों तरफ एक एक जाएंगे 3v3 की फाइट। ओके 3v3 बचाओ का वो देखेंगे स्मैश के अंदर ब्लास्ट में ऊपर होने वाले बंदा है, बंदे को हेड मारेंगे, चलिए 2v3 की और हैपन ब्लास्ट भी को भी नॉक, उसके लिए बढ़ रही कहीं ना कहीं नॉट आ है, पर ग्लू बॉल को उठे निकलेंगे डैमेज दिया है तो मारा सिंगल, तो देखेंगे 3 बंदे थे और इधर स्मूथ होने वाले, यहाँ पे नोटा को नॉक लिया गया है, सामने 3 बंदे होने वाले हैं, 3 बंदों को रोक पाएंगे स्मूथ, 1-on-3 की फाइट, तीनों बंदे यहाँ पे टूट कर पड़ रहे हैं, बांग्लादेश की टीम यहाँ पे इट्स कबू की स्क्वाड काफी धाकड़ तरीके से कह सकते हैं अपना परचम लहरा लिया गया इसमें इंडियन टीम, यहाँ पर कमबैक होगा, चारों बंदे स्मूथ को ले जाएंगे, फाइट 2v3 की होगी है, कितना गंदा है हेड का, माय गॉड ओनली डेजर्ट ईगल से नोटा एक्सीलेंट यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर 2v3 निकाल पाएगी इंडियन टीम, अब तक एक भी राउंड नसीब नहीं हुआ है किसी भी इंडियन टीम को, जी हां पे चलिए देखते हैं नोटा यहां पे साइक यहां पर होल्ड कर रहे हैं, 1-on-2 और अभी एक बंदे को किया है अकेले नोटा के साथ, ओह 1-on-1 की फाइट, क्यों होगा इस मैच के अंदर, यहां पे नोटा राउंड के पास चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या ही डेजर्ट ईगल चला रहे सारी की मेरे ख्याल से डेजर्ट ईगल से होंगी, चलिए देखते हैं क्या होगा, गुलबॉल पे हमला हो रहा है, स्मूथ भी यहाँ पर तैयार है, ओके काफी जबरदस्त यहाँ पे नॉक निकल रहा है, किधर नॉक निकल रहा है वही देख रहा हूँ मैं, ओके एक बंदा रह गया कोई सामने वाली टीम की तरफ से, 30 देर में अकेले इट्स कबू, कबू के पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ चुकी है, स्मूथ इनके सामने होने वाले हैं, 1-on-3 की फाइट और कमबैक हो रहा है शायद 3-1 से पर, यहाँ पे जिस हिसाब से कबू की स्क्वाड खेल रही है अब तक लग रहा है कि ये बंदे जीतने नहीं देने वाले इंडियन टीम को, 3-1 स्कोर हो चुका है, क्या यहाँ पर कमबैक होगा, चलिए देखते हैं, लास्ट भी लगातार ट्राई कर रहे हैं, लास्ट भी लगातार ट्राई डाल रहा है क्राउड निकालने के लिए, चलिए देखते हैं, राइट से डैमेज आ रहा है और एक प्लेयर को नॉक किया, साइको नॉक किया, लास्ट में यहाँ पे नॉक हो जाएंगे कहीं ना कहीं स्किल की ये घड़ी, इट्स कबू गेम यहाँ पे इंडियन टीम को ऊपर काफी तगड़ा प्रहार कर रही है, दस्तूर नहीं मिल रहा है,
देखिए दो नॉक निकालेंगे, उधर नयान एक नॉक निकालेंगे, अकेले ब्लास्ट भाई रह गए। ब्लास्ट भाई के सामने दो बंदे पर डबल किल के साथ 4-1 इतनी तगड़ी धाकड़ शुरुआत। चलिए चलिए कब्बो की स्क्वाड लगातार राउंड पे राउंड ले रही है, लग रहा है कि मुकाबला जीतना चाहते हैं बंदे, और 4-1 से बखूबी लीड में भी है और मुकाबला लग रहा है जैसे कब्बो में पड़ा है इनके, और ये मैच से जीत सकते हैं कुछ कह नहीं सकते। पर यहाँ पे केएनजी स्पोर्ट्स के अंदर टॉप गेमिंग के अंदर इतना थमथम है, ये लड़के यहाँ से कम पैक करके मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंडली बैटल के अंदर दोनों टीम आमने सामने, इसलिए कोई हेट न रखे रहती है, पर फाइट तो टूट गया। ओके यहाँ पे सामने स्मूथ शॉट चला रहे हैं, स्मूथ चला रहे हैं, वो है कोई नॉक हुआ है, डबल किल और काफी ज्यादा क्लियर है, और स्मूथ यहाँ पर क्लच निकाल रहा है, बोलो बस बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और कंप्लीट साइक को स्टार्ट होकर क्या पे रियल टीम वापसी कर रही है इस मैच के अंदर। चलिए देखेंगे क्या होगा इस मैच के अंदर, मुकाबला काफी छोटा और इसके अंदर जाते जाते कमाल सा कर गए यहाँ पे इंडियन टीम, कम बैक कर रही है धीरे धीरे। चलिए देखेंगे क्या भाई, काफी तगड़ा है हेडशॉट हो गया 3v4 की रूप सा गया एक साथ फर्स्ट ब्लड। देखते हैं एक और नॉक पर ग्लास वही ने ले लिया है, स्ट्राइक यहां पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक और नॉक हवा नहीं लग रही है टीम को, अकेले कब्बो कब्बो को भी हवा नहीं लगेगी। मैच 4-4 पे, एक पर मैच 4-0 पे हो रहा था, और अब स्कोर देखे तो 4-4, और चलते चलते साइक को नॉक ले लिया, एक स्मूथ यहाँ पे स्टार्टिंग में दो प्लेयर को टारगेट करते हैं, और मैच को अपनी गोदी में पलटते हुए नजर आ चुके हैं, और क्या घुमाया इस प्रे यार इस कब्बो स्क्वाड यहाँ पे लगातार राउंड पर राउंड लगाती है। होगा इस मैच के अंदर काफी तगड़ा है मुकाबला यार, बहुत ज्यादा उम्मीद है इस मैच से, पर यहां पे स्मूथ के एक और हेडशॉट पर स्मूथ की नॉक, एप्पल पाटो भाई साहब यानी स्मूथ की ट्रिपल किल, 5-4 से लीड में आएगी एनजी स्पोर्ट्स। भाई साहब रुके से नहीं रुक रहे, एक पल 4-0 था 5-4, क्या ही कमबैक हो रहा है, कमबैक को कब के रोक पाएंगे नहीं। चलिए देखते हैं जहां बांग्लादेश सर्वर में मैच होता हुआ नजर आ रहा है, और काफी तगड़े तरीके से हो रहा है। चलिए देखते हैं 2v3 सिचुएशन, स्मूथ तगारू ले जाएंगे यहाँ पे 6-4 से, लगातार 6 राउंड इंडियन टीम के बिलीव सा नहीं हो रहा है, एक साथ मैच में जज्बात वक्त सब कुछ बदल गया है यहाँ। ट्राई कर रहे हैं एक और तगारू का फिर नॉक दिया गया है, कहीं ना कहीं फिर फोर की सिचुएशन लास्ट में फर्स्ट प्लेयर को नॉक दिया गया है, यहाँ पे कमबैक हो रहा है 2v4 की सिचुएशन। चलिए देखेंगे क्या होने वाला है, एक और हेडशॉट मैच 2v2 पा रहे हैं भाई, गौर तो क्या राउंड हम जीत रहे हैं, क्या पे हम राउंड जीत रहे हैं, नोटा 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 ये कैसा हेडशॉट था रहा, जब जब का ये हेड अकेले कब्बो रह गए, अकेले कब्बो और कब्बो भी खत्म, ट्रिपल किल नोटा की आएगी, जियान नॉट एक्सेड इस मैच के अंदर, तूफान आतंक सब ला दिया यार, एमबीपी रहा इस मैच के, कितनी किल करी इस लड़के ने, 14 किल इस मैच के अंदर इन्होंने करी, बाकी लिखा जिखा स्कोर ये आपके सामने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।